लो अपने दाम में सियाद खुद आ गया, दूसरों पर टैक्स नाफिज करने वाले खुद फंस गए हैं। एफबीआर ने एक्साइज के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, 1,90,00,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन के अकाउंट्स मुनमित करके 1,90,00,000 रुपए की रिकवरी कर ली है, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन के जुम्मे विद होल्डिंग टैक्स साल 2015 और 16 की मद में 39,92,00,000 रुपए वाजिब अदा है, जिस पर एफबीआर ने ये नेशनल बैंक मेन ब्रांच मार रोड पर अकाउंट्स मुनमित करके ये रिकवरी की है। और एफबीआर जरा का कहना है कि ये जो अकाउंट्स है मुनमित होने के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानब से रिकवरी ना कराने की कोशिश की गई, जिस पर एफबीआर की जानब से कार्रवाई करते हुए ये रिकवरी यकीनी बनाई गई। और जरा का ये कहना है कि उस वक्त तक ये अकाउंट मुनमित रहेंगे जब तक रिकवरी को यकीनी नहीं बनाया जाता। इस हवाले से इस वक्त दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, उनके आला जो अफसरान हैं इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं कि इनके अकाउंट जो है उनको डीफ्रीज किया जाए और इसके साथ अगला लाइन तैयार किया जाए कि जो 39 करोड़ की जो मुकम्मल रिकवरी है उसको कैसे रिकवर किया जाएगा। उससे पहले वो उनका यही कहना है एक्साइज एंड टैक्सेशन का कि उनके जितने भी अकाउंट्स मुनमित किए गए उनको डीफ्रीज करके और उनका इस वक्त जो उनके अकाउंट्स उनको खोला जाए ताकि वो अपनी अगली जो कार्रवाई अगला जो अपना प्रोसेस है वो अपने जारी रख सके। जबकि एफबीआर की जानिब से ये कहना है कि उस वक्त तक इन अकाउंट्स को डीफ्रीज नहीं किया जाएगा जब तक हमें यकीन दानी नहीं कराई जाती कि हमारी जो रिकवरी है उसको मुकम्मल किया जाए। जी शुक्रिया शबीर हैदर जफर, अपडेट किया आपने।